नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए मॉडल पेपर नंबर 7 है। इससे पहले अपने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों किसी ने वो टेस्ट नहीं दिए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर, तो दोस्तों वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुझाव हंटर कमीशन द्वारा नहीं दिया गया है? तो कौन सा सुझाव है वो हंटर कमीशन द्वारा नहीं दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आरक्षण व्यवस्था लागू करना। ये दोस्तों हंटर कमीशन द्वारा नहीं दिया गया है सुझाव। हंटर कमीशन द्वारा दोस्तों सुझाव है वो नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता, फर्नीचर तथा पुस्तकालय की व्यवस्था, महिला शिक्षा विकास को प्राथमिकता, ये सुझाव दिए गए हैं दोस्तों हंटर कमीशन द्वारा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी द्वारा जिस स्थान को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर 1921 से 1941 तक स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो दोस्तों किस स्थान को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, नंबर सेकंड ऑप्शन। सेकंड प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर 3, अजमेर। नंबर 3 प्रश्न है, मेवाड़ में प्रजामंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो देखो, मेवाड़ प्रजामंडल का नेतृत्व माणिक्य लाल वर्मा तथा बलवंत सिंह मेहता ने किया था। दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना तो माणिक्य लाल वर्मा ने की थी और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, तो नंबर 1 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मराठों की शक्ति में वृद्धि करने वाला शासक था? तो मराठों की शक्ति में वृद्धि करने वाला शासक था वो था शिवाजी, नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है वो विक्रमशिला था। कौन सा? विक्रमशिला। नेक्स्ट है, अलबरूनी की रचना को कहा जाता है? तो अलबरूनी की रचना को दोस्तों 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है, 11वीं सदी का दर्पण। नेक्स्ट है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। नंबर 8 प्रश्न है, औरंगजेब किस सूफी संत से प्रभावित था? औरंगजेब किस सूफी संत से प्रभावित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख कादरी। क्या हो जाएगा? शेख कादरी। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा किस शैली से प्रभावित है? तो बुलंद दरवाज़ा है वो किस शैली से प्रभावित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्शियन। क्या हो जाएगा? पर्शियन। नेक्स्ट है, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक में मिलता है दोस्तों। नंबर 11 प्रश्न है, किस मुगल शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पूर्ण की? तो रामचरितमानस की रचना किसके शासन काल में पूरी की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है, नंबर 12 प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल किसके वंशज थे? तो दोस्तों मुगल है वो तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 14 प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ था? उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किस काल में हुआ था? तो दोस्तों गुप्त काल में हुआ था। किसके काल में? गुप्त के काल में। नेक्स्ट है,
देखो रीचा दक्षिण की ओर 8 किमी तक गाड़ी से जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन डायग्राम बना लेते हैं, 8 किमी की तरफ दोस्तों दक्षिण की तरफ जाती है, तो ये अपन ने बिंदु ले लिया यहाँ पे। तो दोस्तों 8 किमी अपन को चलना है दक्षिण की तरफ, ये चल गए दोस्तों यहाँ पे 8 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ती है और 4 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, तो दोस्तों बाईं ओर मुड़ाना है, तो ये मुड़ गए दोस्तों इधर बाईं ओर, ठीक है, और कितना चला 4 किलोमीटर। इसके बाद में दोस्तों वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है, तो दोस्तों ये 11 किलोमीटर मैंने और चला दी, ये हो गई 11 किलोमीटर, ठीक है। वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है यदि दोनों स्थलों के बीच सीधा रास्ता हो, तो दोस्तों ये है यहाँ से स्टार्ट किया था और ये यहाँ पर, तो यहाँ से बताना है कि इन दोनों के मध्य है वो कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। तो दोस्तों देखो 8 ये है और 11 ये है, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो दोस्तों 3 बच गए दोस्तों, ये वाला पार्ट है इसमें 4 किलोमीटर चला था, तो दोस्तों ऊपर की भी सेम टू सेम हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी दोस्तों 4। तो देखो 4 ये है 3 ये है, तो सामने वाली बतानी है कितनी हो जाएगी, तो देखो इसमें 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो 4 चौक 16 और 9 25, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट है नंबर 17 प्रश्न, यदि P प्लस को व्यक्त करता है Q माइनस को व्यक्त करता है, R भाग को व्यक्त करता है और S इनटू को व्यक्त करता है, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 18 36 12 6 और 7, तो इनमें दोस्तों अक्षर दिए गए हैं S R Q P, तो यहाँ पे जो दिए गए हैं वो का वो दोस्तों अपन को यहाँ पे लिखना है। तो देखो इसमें लिखा जाएगा 18, दोस्तों एस को लिखते हैं अपन मल्टीप्लाई, तो 18 इंटू फिर दोस्तों 36 लिखेंगे और दोस्तों आर को लिखते हैं अपन 12, सॉरी भाग लिखते हैं, और उसके बाद में दोस्तों आएगा 12 और 12 के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो क्यों का निशान आ जाएगा माइनस में और पी का दोस्तों आ जाएगा प्लस में। तो दोस्तों इस सीक्वेंस को सोल्व करेंगे 18 इंटू 36 भाग 12 माइनस 6 प्लस 7, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। नेक्स्ट है यदि ए बी का पिता है, वह बी सी की माता है, वह सी डी की पुत्री है, तो ए एवं डी का संबंध क्या है, तो ए और डी का संबंध दोस्तों बहुत ही इजी है, इसमें ससुर होगा राइट आंसर इसका। नंबर 19 प्रश्न है, 16 33 65 131 261, तो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो 16 इंटू दो करना है और फिर प्लस 1 करना है, 16 इंटू 2 प्लस 1, तो देखो 16 इंटू 2 प्लस 1 कर दिए, तो दोस्तों आगे संख्या है वो 33 आ गई। अब 33 इंटू 2 माइनस 1 करना है, इंटू 2 माइनस 1, एक तरफ तो करना है इंटू 2 प्लस 1 और दूसरी बार करना है इंटू 2 माइनस 1, तो देखो 65 और 65 65 इंटू 2 करेंगे तो दोस्तों 130 हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो दोस्तों 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें ये वाला सूत्र लगा लेना आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा 523। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों कौन कौन सी है वो 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा √2 फिर √5, नंबर 1 ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 21 प्रश्न है, पीतल के एक गोले का व्यास 6 सेमी है, इसे पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया है, यदि तार की लंबाई 36 सेमी हो तो तार का व्यास ज्ञात करें,
तो दोस्तों इसमें तार का व्यास ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले दोस्तों अपने को गोले का आयतन लगाना पड़ेगा, गोले का आयतन लगाना पड़ेगा जिसका सूत्र होता है दोस्तों 4/3 πr³, ये लगाना पड़ेगा दोस्तों। फिर तार का आयतन का भी सूत्र लगाना है, तार का आयतन का भी सूत्र लगेगा πr²h। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेमी। क्या हो जाएगा? 2 सेमी। सूत्र लगा लेना, मैंने आपको बता दिया है सूत्र, इससे आपके आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अंतंत हल होंगे। तो दोस्तों अंतंत हल होंगे, तो दोस्तों अपने पास दो समीकरण है 2x+3y = 5, 4x+ky = 10। तो दोस्तों समीकरण एक को 2 से गुणा कर समीकरण सेकंड से घटाने पर, तो देखो इधर अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इधर आ जाएगा 4x+6y = 10। तो दोस्तों ये वाला समीकरण था, इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाला है दोस्तों, उसमें अपन माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो दोस्तों ये वाली संख्या है नीचे वाली 4x+ky = 10, तो वो इसके नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों 4x से 4x कट जाएगा और y से दोस्तों y कट जाएगा और 10 से दोस्तों 10 कट जाएगा। तो इसमें बचेगा k = 6। नंबर 2 है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि x²+2 = 2x, तो x4-x³+x²+2 का मान है। तो दोस्तों इसका मान क्या है? तो दोस्तों इसमें अपन को भाग लगाना पड़ेगा x²-2x+2 का, इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों किसमें, x4-x³+x²+2 इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है नंबर 24 प्रश्न, आंकड़ों। तो दोस्तों 0, 2, 2, 2, -3, 5-1, 5-5, -3, 6, 6, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी। तो दोस्तों इन संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? तो देखो इसमें कुल पद हैं तो वो हैं 14, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों n = 14 दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पद का मान निकालना है। तो 14/2 वे पद का मान प्लस 14/2+1 के पद का मान बटे 2। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा लास्ट में जाके 7वें पद का मान और 8वें पद का मान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2+5 2+5/2। तो दोस्तों 7 में से 2 गए तो बचे 3.5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5। नेक्स्ट है एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 है, यदि उस होल का परिमाप 320 मीटर है तो उस होल का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। तो कितना वर्ग मीटर होगा उस होल का क्षेत्रफल? तो दोस्तों इसमें परिमाप निकालना पड़ेगा दोस्तों, पहले इसमें सूत्र लगेगा, वो परिमाप का सूत्र लगेगा और उसके बाद में दोस्तों इसका मल्टीप्लाई क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए दोस्तों अपने को इसमें 100 × 60 करने पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6000 वर्ग मीटर। दोस्तों जो जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्नावली है, वो आप सभी को एक बार हमारे टीचर हैं उनकी उनसे क्लास लगवा देंगे आपकी, वो टॉपिक के जैसे बारंबारता है, ये परिमाप वगैरह है, तो इनकी क्लास लगवा देंगे इनकी प्रश्नावली वाइज। नंबर 26 प्रश्न है 24 सेमी की ऊंचाई और 7 सेमी की त्रिज्या का खोखला शंकु बनाने के लिए मेटल शीट की आवश्यकता होगी।
मेटल शीट की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसमें शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी पहले, तो इसमें सूत्र लगेगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो दोस्तों इसका 24 और 7 है, तो दोस्तों इसमें करेंगे तो 625 आ जाएंगे, तो 625 का दोस्तों इसमें हो जाएगा 25, और इसमें दोस्तों पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 704 सेमी। ये प्रश्न है दोस्तों, सारे एक बार सोल्व करवा देंगे अलग से। आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 28 प्रश्न में, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों अभिषेक का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, तो अभी प्लस शेक, सेव वाला शेक हो जाएगा दोस्तों, इसमें नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हैदराबाद में समास है, तो दोस्तों हैदराबाद में तत्पुरुष समास है। अगला है परिणति में उपसर्ग है, तो दोस्तों परिणति के अंदर परि उपसर्ग है, कौन सा, नंबर 4 वाला परि। नेक्स्ट है हंस मराल अनेकार्थक शब्द का दूसरा अर्थ होगा, हंस मराल अनेकार्थक शब्द का दूसरा अर्थ होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा, क्या हो जाएगा, घोड़ा। नंबर 32 प्रश्न है, लेट हिम स्टार्ट द वर्क, लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज एन यू पी एस विल सून। दोबारा देखो, लेट हिम स्टार्ट द वर्क, आई एम श्योर हिज NUPM विल सून। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा वेन, क्या आ जाएगा, वेन। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कम होना, वेन का मतलब क्या होता है, कम होना। नेक्स्ट है, तो दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन लगाना है इसके अंदर, तो देखो ओवर प्लेन स्टॉप्ड मुंबई एयरपोर्ट ऑन द वे टू इटली, तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट मुंबई, क्या आएगा, एट मुंबई। नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुफिक्स एंड एरोपिएट एप्रोपिएट फॉर ए गिवन वर्ड, तो दोस्तों इसमें पे आएगा, तो पे का दोस्तों इसमें क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबली, क्या हो जाएगा, डबली। नेक्स्ट है, तो देखो इसमें फिल इन द ब्लैक्स यूजिंग करेक्ट टेंस, टेंस यूज करना है इसके अंदर, करेक्ट क्या आएगा, तो देखो आई एट द 5 o'clock एंड 4 to 2 hour आफ्टर टेकिंग ए बाथ आई ब्रेकफास्ट देन आई टू स्कूल ऑन माई बाइक, तो दोस्तों इसमें कौन कौन से खालिस्तान के अंदर आएगा, तो देखो आई गोट अप एट द 5 o'clock एंड स्टडीज 4 to 2 hour आफ्टर टेकिंग ए बाथ आई टुक ब्रेकफास्ट देन आई वेंट टू स्कूल ऑन माई बाइक, नंबर 1 ऑप्शन वाले दोस्तों इसके अंदर आएंगे। नंबर 36 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों मोन्टेंग सिंह आलूवालिया है। कौन सी योजना अवधि योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है, तो 1966 से लेके 1969 तक ये 3 साल हैं, ये योजना अवधि के नाम से जाना जाती है। नंबर 38 प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य वो क्या था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनसेट श्रृंखला का इसरो द्वारा निर्मित पहला उपग्रह था, तो कौन सा था पहला उपग्रह, तो इनसेट 2A, नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर 40 प्रश्न, नवीन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता
हो गई है, तो राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी हो गई है, 52.1%। नेक्स्ट है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में शिशा लिंगानुपात है वो 888 है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 933। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना में कृषि शामिल है, तो दोस्तों व्यावसायिक संरचना में कृषि शामिल है वो प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रशासन व सेवा किस क्षेत्र में शामिल है, तो प्रशासन व सेवाएं किस क्षेत्र में शामिल है, तृतीय क्षेत्र में। नंबर 45 प्रश्न है जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है, तो दोस्तों किसका परिणाम है, उच्च जन्म दर का। नंबर 46 प्रश्न है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो देखो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। नंबर 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं नंबर 47 में कोहरे में देखना कठिन क्यों होता है, तो दोस्तों कोहरे में देखना कठिन इसलिए होता है क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरणें फैला दी जाती है। नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 48 प्रश्न है गेंद को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर ले जाते हैं, इससे वे चोटग्रस्त घायल होने से बच जाते हैं क्योंकि, तो दोस्तों ये क्यों बच जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गति को संरक्षण के कारण। दोस्तों ये नियम है ये न्यूटन ने दिया था। नंबर 49 प्रश्न है चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि, दोस्तों सभी क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखो सभी गैसों का वर्ग माध्य वेग चांद की सतह पर इनके पलायन वेग से अधिक है। नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, तो दोस्तों रासायनिक संप्रदूषण है वो एक प्राकृतिक खतरा नहीं है। नंबर 51 प्रश्न है समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो दोस्तों समवर्ती सूची में कौन सा विषय नहीं है, भू राजस्व। नेक्स्ट है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किन संशोधन द्वारा दिया गया, तो संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन। नंबर 53 प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तो देखो का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है, एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है कि निर्मित संसदीय कानून बनाकर की गई है, तो दोस्तों इसका उपयोग सभी है वो संयोजन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका 4th। नंबर 54 प्रश्न है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है ये बताना है, तो देखो इसमें सही है वो बता देता हूँ, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है, और इसमें है यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, नंबर 4, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, कौन सा सही है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, तो दोस्तों 2 सही है इसमें, नंबर 1 और 4, बाकी क्या पढ़ो मत, जो सही है वही पढ़ना। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर विधेयक संबंधी असहमति होने पर, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर यानी कि नॉन मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर, तो दोस्तों असहमति होने पर क्या होगा, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 56 प्रश्न है राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जिला है, तो कौन सा है, गंगानगर है दोस्तों, कौन सा है, गंगानगर। नेक्स्ट है भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है, तो दोस्तों मरुभाषा है, कौन सी, मरुभाषा। नेक्स्ट है
मावट का संबंध है तो दोस्तों भूमध्य सागर से संबंध है मावट का। आगे चलते हैं नंबर 59 प्रश्न, सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले जिले हैं तो सर्वाधिक लवणीय मृदा वाले जिले कौन कौन से हैं, तो बाड़मेर और जालौर हैं दोस्तों। कौन से? बाड़मेर और जालौर। नेक्स्ट है केलाना, नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे कायलाना होगा, कायलाना, ठीक है ना। कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जोधपुर में है कायलाना झील, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखो स्व अनुशासन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 62 प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम शिक्षा के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई? अजमेर से। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश किसमें प्रकाशित होते हैं? तो किसमें प्रकाशित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवीरा पत्रिका में। किसमें? सिवीरा पत्रिका में इसके आदेश प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट नंबर 64 प्रश्न, समय तालिका निर्माण में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षकों की योग्यता का, विषयों के कठिनाई स्तर का, शिक्षकों की रुचि का, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है किसके मतानुसार इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है? तो दोस्तों एलजी विलेज के अनुसार। नेक्स्ट नंबर 66 प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक बैंक। क्या हो जाएगा? बुक बैंक। नेक्स्ट है लोक जुम्बिस परियोजना का विलय सर्व शिक्षा अभियान में कब किया गया? तो कब किया गया? तो 30 जून 2004 को किया गया था। नंबर 68 प्रश्न है, शाला मानचित्रण की कोर टीम में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है सभी विद्यालयों को कितने अंकों का डाइस कोड प्रदान किया जाता है? तो कितने अंकों का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अंकों का। नेक्स्ट एडुसेट को अंतरिक्ष में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट नंबर 71 प्रश्न, लगभग 55 देशों का विश्व शिक्षा सम्मेलन 1990 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। नंबर 73 प्रश्न है, सरकार द्वारा बालिका विदेश शिक्षा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2011 के अंदर किया गया था, 2010-11 के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय छात्र स्काउट संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सन 1915 में हुई थी भारत छात्र स्काउट संघ की स्थापना। नंबर 75 प्रश्न है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें देखो उपयुक्त सभी है वो कथन सही है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1973 को हुई थी। यह एक स्वायत्त शासी अभिकरण है, इसका पंजीयन 1 जून 1974 को हुआ था। उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हो गया अपना आज का फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर नंबर 7। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।